एक साहब हमसे पढ़ते हैं, तो पिताजी ने एक दिन मुझे फोन किया कि अरे मास्टर साहब हमारा लड़का ध्यान योग में कर रहा है, वो कहीं भाग ना जाए। अरे नहीं भागेगा सर, राजा जनक सन्यासी है सर। यही तो एक गलत अफवाह उड़ाई गई कि सन्यासी मतलब भगोड़ा। नहीं, सन्यासी मतलब स्वामी। किसका? मन का। सन्यासी मतलब विवेकशील। और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। मैं हिंदुस्तान के मां बाप से कहता हूं, व्यक्तिगत अनुभव है सर मेरा, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, मैं हिंदुस्तान के सारे मां बापों से कहता हूं, अपने बच्चों को ध्यान योग सिखा दो, कराना शुरू करवा दो, इनके जीवन से नशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों तुम कहोगे क्यों क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जवानी जो है, यूथ बड़ा चैलेंजिंग फेस है। जवानी, यूथ एक तरफ तो सेंसेस बहुत पावरफुल है और बाहर की तरफ भाग रही है, और दूसरी तरफ गोल। यह भी बाहर की तरफ भाग रहा है, कुछ बनना है। अब आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो अब दिमाग जो है, मन जो है, माइंड, और सेंसेस पीक पे है, सबसे ज्यादा पावरफुल। उसको स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, घूमना चाहिए, मस्ती चाहिए। तो जब वो, अब ये ज्यादा पावरफुल है, तो जब वो यहां भाग जाता है, ये छूट जाता है। जब वो यहां भागता है वो खींच ही लेती है उसे, वो खींच ही लेती है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। वो खींच ही लेती है सर। हम सबने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो हम किसी को बताना नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े सन्यासी, संत, महात्मा, अब ये दो चीजें एक साथ यूथ फेस करता है, एक साथ। अब अर्जुन जो है वो इन दोनों चीजों को एक साथ फेस करता है। अब आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो तीसरी करें, चौथी करें, पांचवी करें, आठवीं करें। अब हम चिढ़ेंगे तो हम उनको गाली देंगे, लेकिन हम क्यों चिढ़े, हम तो अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने गौर किया उनसे क्यों शादी करना चाहती हैं स्त्रियां? पावर। इसलिए अगर इस युवा मन को ध्यान करेगा, ये अर्जुन अगर ध्यान करेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा कि अगर शक्ति आ जाएगी तो दुनिया खुद ब खुद भाग के आएगी। इसीलिए उसे ध्यान योग करना चाहिए। आमिर खान के अंदर सोना नहीं गड़ा हुआ है, शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। तो स्त्री जब उस शक्ति के करीब आएगी तो उसको आनंद मिलेगा। तो हमारा युवा जब ध्यान करेगा, योग करेगा, विवेकानंद को मानेगा, तो उसे एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉस शक्ति अगर आ गई तो दुनिया अपने आप आ जाएगी। तो वो पहला प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को।
वो पहली प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को। और जब वो ध्यान नहीं करेगा तो वो कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, ना उसे ये मिलेगा और ना उसे ये मिलेगा। और जब उसे दोनों नहीं मिलेगा तब क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस का बड़ा भाई डिप्रेशन हो जाएगा। और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा। स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा। इसको खत्म करवा दो, ये अपने आप छूट जाएगा। उस पर प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं। ये व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत। मेरे बड़े सारे चाहने वाले हैं, गोंडा में मेरे साथ रहे, इलाहाबाद में मेरे साथ रहे, तो जो उन्होंने मुझे वहां का जीवन जो देखा है, तो कभी कभी जब मुझे इस तरह का बोलते हुए देखते तो कहते हो ना, ये क्या बोलेगा, ये अवधोजा धर्म पे बोलेगा, शास्त्र पे बोलेगा, नैतिकता पे बोलेगा। हाँ ठीक है भैया, हम ना बोल पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। हमारे बड़े सारे चाहने वाले हैं जो हमारा इतिहास जानते हैं, लेकिन किसी को मेरा इतिहास जानना है वो मुझसे खुद मिलने, मैं उसे खुद ही बता दूंगा सारी बातें। किसी के बल पे जिंदा नहीं है, और अच्छी इमेज बनाने का तमन्ना ही नहीं, बस एक ही इच्छा है कि बेईमानों के भगवान बन जाए, और दुनिया में कोई इच्छा ही नहीं। ईमानदारों का तो भगवान है, बेईमानों का है ही नहीं, बस मेरी एक ही इच्छा है। और ये बात मैं भगवान से मांग नहीं पाता, इच्छा बड़ी छोटी सी है मेरी कि बेईमानों के भगवान बन जाए, कि जब बेईमानी की बात चले तो लोग मेरी कसम खाएं। मैंने फेस किया सर, मैंने देखा, मैं इस दौर से गुजरा हूं सर, मैं इन गलियों से गुजरा हूं, और मुझे इस बात का कभी दुख थोड़ी होता है, ना मुझे इस बात की शर्म आती है। यही तो इस देश की महानता है सर, कि अंगुलीमाल भी संत बन सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंगुलीमाल डाकू था? और डाकू कौन नहीं है इस दुनिया में? कौन बेईमान नहीं है, कौन व्यभिचारी नहीं है, कौन डाकू नहीं? सब है। कोई लीगली कर रहा है गोवा जाकर, स्वीडन जाकर, दुबई जाकर, थाईलैंड जाकर, कोई चोरी छिपे कर रहा है, और राजेश खन्ना की एक मूवी थी ना जिसमें वो कहता है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। कुछ नहीं होता सर, बदलो अपने आप को।